हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का जो मेरा वीडियो है ना, वो एक प्यारा सा और थोड़ा सा नॉर्मल वीडियो नहीं है। मतलब इस वीडियो में मैं थोड़ी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हर वीडियो में ही मैं खुश होती हूँ, बट इसमें थोड़ी फीलिंग अलग है। इंजॉय कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ये नॉर्मल दिन जो होते हैं मेरे डेली के, वो सेम वैसे ही होते हैं कि इवनिंग के टाइम में मैं क्या करती हूँ। हे गाइस, तरबूज खा लीजिए। मैं तरबूज काट रही हूँ। मुझे तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं 6 किलो का तरबूज लेके आई थी। लॉकडाउन की वजह से कुछ ढंग से भी नहीं खा पा रहे। ये देखिए, टेस्टी टेस्टी तरबूज कितना प्यारा है। यम्मी यम्मी, बहुत मीठा भी है। मैं इसके अब छोटे छोटे पीस करूंगी, इसके बीज बीज निकाल लूंगी, और फिर मैं तरबूज मेरी ससुर जी को देके आऊंगी। तो मैं मेरी ससुर जी को तरबूज देने के बाद मैं उधर ही बैठ गई थी नीम के नीचे। तो ये देखिए, गिलहरी है जो खा रही है दमादम। मेरे पास में ही बैठी थी और मुझे पता ही नहीं था, और खाई जा रही थी खाई जा रही थी। तो इनको डाल देते हैं गाँव में, क्योंकि बहुत सारी होती हैं ये। तो खा रही है, ये चल गए। चलो बोलो, 7, 8, 9, 10। अब सुनाओ मेरे को 1, 2, 3 बोल के, बस सुनाओ। दोनों साथ साथ बोलो, 1, 2, 3, 4, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, 10 भूल गए। गाइस, तो हमारे घर बो रहे और मैं इधर नहर पे खड़ी हूँ। तो ये देखिए, छेड़ी बकरी जो है कैसे देख रही है। इधर आ जा, ले, ऐसे देखे जा रही है कि ये कौन है। तो दोस्तों देखिए, वो छेड़ी जो बकरी है ना, वो सारी की सारी भाग गई। मेरे को देख के पता नहीं है क्यों भाग गई, सारी की सारी उधर ही भाग गई। एक बारी भगाई है मैंने, तो फिर ये खुद ही भग गई। और ये है पापड़ का पेड़ जिसके पास मैं खड़ी हूँ। बहुत प्यारा सा ये पेड़ है, इसमें आसानी से चढ़ सकते हैं और गुलाब काकड़ी खेल सकते हैं। तो जो भी ये गेम खेला हो उसको पता होगा गुलाब काकड़ी क्या होता है। तो मुझे कमेंट करके बताएं किस किस को पता है ये गेम के बारे में। तो मैं अभी आप सबको पेड़ पर चढ़ के दिखाती हूँ। मैं बस ऐसे ही चढ़ रही हूँ आज। तो मैं पेड़ पे बैठ गई हूँ। देखो कितना अच्छा है ये पेड़। जब हम बचपन में गांव आते थे तो खूब हम नीम के पेड़ में ही बैठे रहते थे, वहीं खाना खाते थे कभी कभी। तो मैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रही हूँ लॉकडाउन के टाइम में। तो किस किस को अपने बचपन की याद आ रही है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, डूंगर कितना प्यारा लग रहा है। और मैं हमारे खेत में खड़ी हूँ, हमारे घर वो रहे, बहुत ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। एंड देखो, मतलब भरबूठा भरबूठा ही बोलते हैं क्या, चीचड़े चीचड़े लग गए, जो चीचड़े लग गए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, ये है नहर, इसमें बांध का पानी आता है, रेडिया के बांध का। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि कौन से बांध का पानी आता है, तो मुझे, मैं तो नहीं देखा है मैंने तो। अभी तो यहाँ 3-4 साल से बाद में, मतलब 3-4 साल से पानी नहीं आया है। मतलब जब बाढ़ आएगी ना तब पानी आएगा। मतलब पिछले साल चांस थे कि बांध भर जाएगा तो पानी आ जाएगा, बट कोई नहीं भरा फुल, तो नहीं आया पानी। ये मेरा देवर है, कहाँ गया, छुप गया, इधर आ जा। शाम के टाइम में ना रहेंगे तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे यहाँ स्वच्छता का और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है।
तो ये देखिए यहाँ पे साबुन लगा देते हैं टैंक के, जो भी मतलब साबुन बचा हो, बचा कुचा साबुन है वो इस पे छाप देते हैं, तो बस यहीं से हैंड वॉश कर लेते हैं ऐसे हाथ के रगड़ रगड़ के। तो देखिए गांव में बहुत सारी सेफ्टी रखी जा रही है कोरोना की वजह से। किसने बिगाड़ा? तो ये देखिए ये साबुन देखिए लगा रखे हैं, उस वाला साबुन, लाइफबॉय साबुन, तो अब ये कम हो गए हैं, तो इनको बस ऐसे रगड़ लेते हैं, तो ये इसकी वजह से हाथ और भी अच्छा क्लीन साफ़ हो जाता है, जो मिट्टी से दरारें आ जाती है वो भी साफ़ हो जाती हैं। तो अभी आपको गुन्नू हैंड वॉश करके दिखाएगी कि हम टैंक पे कैसे करते हैं। ये देखिए ये ऐसे हाथ धोते हैं छोटे बच्चे भी, इनको सबको पता है और आता भी है ऐसे। बोले बहुत साबुन लगा ली, अच्छे से मसाला सही, और फिर पानी पी ले। तो आंधी आने लग गई थी बाद में थोड़ी देर बाद, तो हम बाहर बैठे हैं, मैं, मेरा देवर, मेरी सासू जो है, हम नीम के नीचे बैठे हैं हमारे घर के आगे। हम फ्री थे, कोई काम नहीं था, तो हम वहीं बैठते हैं, यहाँ बैठना पसंद करते हैं। तो ये देखिए अब धीरे धीरे सब आने लग गए, तो हम फुल इंजॉय करते हैं। और हमारे इस नीम के नीचे और छपरे में दो जगह है सबकी फेवरेट, जहाँ ज़्यादा लोग बैठते हैं, तो खूब मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। और गाँव में तो सब बाहर बैठना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान है, बाहर ही अच्छा लगता है, हवा जो टकराती है ना जब, और भी अच्छा लगता है। तो